ज्ञान लिटरेचर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर किस तरह से साइलेंट किलर है। देखिए, उच्च रक्तचाप एक ऐसी समस्या है जिसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता और इसी वजह से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर दर्द, नज़र कमज़ोर होना, नींद सही से नहीं आना जैसी समस्याओं की जांच के लिए जब लोग आते हैं तो पता चलता है कि रक्तचाप बढ़ा हुआ है और नियमित दवाई से इसे नियंत्रित रखा जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है क्योंकि इसके अपने कोई विशेष लक्षण होते ही नहीं है। कई बार रोगियों को सिर में दर्द आ गया, चक्कर आ गया, लेकिन ज़्यादातर बार मस्तिष्क, हृदय, किडनी और आँखों तक असर हो जाता है और हर तीसरा भारतीय इस समस्या का शिकार है। एक आकलन के अनुसार 33.8% शहरी और 27.6% ग्रामीण आबादी उच्च रक्तचाप की शिकार है, जिसका अर्थ हुआ कि हर तीसरा भारतीय समस्या का शिकार है। यह लोगों की मृत्यु की भी बड़ी वजह है। पिछले कुछ सालों में बदली जीवन शैली ने लोगों के हाइपरटेंशन को बढ़ाया है। इनमें शारीरिक व्यायाम की कमी, अधिक नमक और वसा वाला जंक फूड, अल्कोहल और तंबाकू के सेवन और मानसिक तनाव आदि कारण हो सकते हैं। बीपी रोगियों को उपचार और दवाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। समय पर बीपी नज़र रखकर और उसे नियंत्रित रखकर जटिलताओं को कम किया जा सकता है। रोज़ाना 25 से 30 मिनट की कसरत, कम नमक का प्रयोग, कम वसा वाले भोजन के इस्तेमाल से मानसिक तनाव से बचा जा सकता है और इसका बीपी रोगियों पर सकारात्मक असर दिखाई देता है। और इसका बीपी रोगियों को उपचार और दवाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उच्च रक्तचाप या हाई बीपी की समस्या पिछले कुछ सालों से बढ़ी है। उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप या हाई बीपी की समस्या पिछले कुछ सालों से बढ़ी है और हृदय रोगों, किडनी की निष्क्रिय होने जैसी अनेक समस्याओं के पीछे रक्तचाप अधिक होना माना जाता है और वही प्रमुख वजह भी है। कई रोगियों को अधिक रक्तचाप का पता नहीं चलता क्योंकि खास लक्षण नहीं है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।